बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एपिसोड में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत के लिए जो मुख्तलिफ हुक्मरानों को ख़त लिखे उसका जिक्र करेंगे। सुलह हदीबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदरे इत्मीनान नसीब हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों को ख़त लिखे, इस्लाम की दावत दी। सबसे पहला ख़त ईरान के हुक्मरान के नाम लिखा गया। ईरान के हुक्मरान जो थे किसरा कहलाते थे। सामानी ख़ानदान बरसर इक्तदार था। खुसरो परवेज इस ख़ानदान का सबसे ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन उसका तकब्बुर और गुरूर इतना ज्यादा था कि उसको कज कला यानी टेढ़ी टोपी वाला कहा जाता था। तो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा के जरिए दावतनामा इरसाल किया। दावतनामे के ये अल्फाज थे, अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान और रहीम है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा मोहम्मद की तरफ से किसरा शाम फारस के नाम। सलाम उस फर्द पर जो हिदायत का पैरोकार है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है और ये शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा इबादत के काबिल कोई नहीं और मुझे पूरी दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा है ताकि तमाम लोगों को खौफ इलाही से आगाह करूं। ए कैसरे फारस, इस्लाम कबूल करोगे तो सलामती से हमकनार होंगे, वरना तमाम मुजसियत के गुनाहों के तुम जिम्मेदार होंगे। जब कैसर ने यह खत देखा तो बड़ा ही गुस्सा आया और अपने खत को फाड़ डाला, इस खत को फाड़ डाला। और यमन का गवर्नर उस वक्त बाजान था, उसको लिखा कि फौरन ये जिसने खत लिखा है इसको गिरफ्तार करके मेरी अदालत में पेश किया जाए। बाजान ने कुछ आदमी मदीना की तरफ भेजे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जिस तरह मेरा खत फाड़ा है तो इसकी सल्तनत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और वही हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई सच साबित हुई और हजरत उमर के दौर में यानी इस सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये इस खत के कुछ ही दिनों के बाद इसके बेटे ने इसे कत्ल कर दिया, और इस तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, फिर ये हम इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे कि ये सारा ईरान जो था ये फिर फतह हो गया था। दूसरा हक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा रोम के हुक्मरानों के नाम। रोम के हुक्मरान कैसर कहलाते थे। इनका दारुल खिलाफा जो था वो कस्तनतनिया था। उस दौर में रोम का हुक्मरान कैसर हरकल बैतुल मुकद्दस की ज्यारत के लिए आया हुआ था। यह दावतनामा वही या कल्बी के सुपुर्द किया गया। उसके भी अल्फाज यही थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कैसर हरकल शहंशाह रूम के नाम। उस फर्द पर सलाम हो जो हिदायत का पैरोकार है। इसके बाद तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें इसका कई गुना ज्यादा अजर इनायत करेगा और अगर इनकार किया तो तुम्हारी रियाया के तमाम गुनाह तुम्हारे जिम्मे होंगे। वहीया कल्बी ने हारिस गस्सानी के जरिए दावतनामा इरसाल किया। दावतनामा मिलने पर हरकल ने हुक्म दिया कि किसी अरबी को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। तो उस वक्त अबू सफियान जो था तिजारत के सिलसिले में वहां गया हुआ था, उसको बुलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने पूछा। और हालांकि अबू सफियान मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन वो भी सच के सिवा कुछ न कह सका और इससे कैसर रूम बहुत ही मुतासर हुआ। वो चाहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में पेश हो, लेकिन
बाज पादरियों और हुकूमत के जो दूसरे अरकीन थे उसकी वजह से ऐसा न कर सका। अगला हद जी मिस्र के हुक्मरानों के नाम भेजा गया। मिस्र का हुक्मरान का लकब मकुकुस था। उसके पास हातिब रज़ियल्लाह ताला अन्हु नामा मुबारक लेकर रवाना किया गया। मकुकुस ने एहतराम का मुजाहरा किया और हद का जवाब इन अल्फाज में दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम मकुकुस कुतबी की तरफ से आप पर सलाम हो, मैंने आपका हद पढ़ा, दावत इस्लाम को समझा, मुझे इतना इलम था कि नबी का जहूर शाम में होता, आपकी खिदमत में दो खिदमतगार दोशीजाएं कपड़ा और एक सवारी रवाना कर रहा हूं। शहनशाह मिस्र ने इस्लाम कबूल न किया लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद एहतराम करता था और उन्होंने जो दो लोनियां भेजी थी उनमें से एक का नाम मारिया कुप्ती था और उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी और उन्हीं से आपके बेटे इब्राहिम पैदा हुए। उसके बाद अगला हाथ चार नंबर ये हबशा के हुक्मरान नजाशी के नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। तो इस हद को जैसे ही नजाशी के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आमर बिन उमैया ये खत लेकर पहुंचा तो नजाशी ने फौरन अपने दिल को हाथ लगाया और इस्लाम कबूल किया और इस तरह इस खत के जरिए ही नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने जाफर के हाथ पर बैत भी कर ली। इसके बाद अगला आता है जी मोतबार सरदारों के नाम। अमान पर जाफर और अबद काबस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास हजरत उमर बिन लास को रवाना किया। उन्होंने आगाज में मुआलफत की लेकिन बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। बहरेन पर मंजर बिन सारी का कब्जा था। उला बिन हजरमी को दावतनामा देकर भेजा गया। मंजर ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। दमिश्क पर मंजर बिन हारिस का कब्जा था। शुजा बिन वाहब को दावतनामे देकर भेजा गया। उसने शुरू में मदीना पर हमला की धमकियां दी लेकिन बाद में सफीर को एहतराम से भेजा। यमामा के हाकम होजा बिन अली ने निसफ हुकूमत का मुतालबा किया। बलका के सरदार शर्जील बिन अम्र ने मुसलमानों के सफीर हारिस बिन अम्र को शहीद कर दिया था। इसी वजह से शाम और अरब की सरहदों पर जंगों का आगाज भी हुआ जिसका मैंने जिक्र पिछले एपिसोड में जंग मौता जो हुई थी उसमें कर दिया था। तो ये जी मैंने मुख्तसरन आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावतनामों की तफसील बताई है और आज के एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक ऐसा वाकिया पढ़ेंगे कि जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती और आज तक कोई भी बड़े से बड़ा और मुनसिफ से मुनसिफ हुक्मरान उसकी मिसाल नहीं दे सका। वो क्या था इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जिक्र होगा। थैंक यू।